मैंने कहा ना, मेरा मर जाना ही बेहतर है। मुझे नहीं, 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 नहीं। दीदी ये तो वो लोग हैं जो दूसरों का घर जलता देख हंसते हैं, तमाशा देखते हैं। ये अपने घर में झांक कर नहीं देखते, नहीं देखते कि इतने खुद के घर कितने गंदे हैं। नहीं करे, ये लोग सिर्फ दूसरों के घरों को फूंक कर तमाशा देखते हैं। ये लोग किसी को मरहम नहीं लगा सकते, सिर्फ जख्म दे सकते हैं। क्यों निकल रहे मामी? करण भारो भारो, बाहर भीड़ है और भीड़ नहीं मामा जी, अकेले नहीं लड़ा जा सकता, मेरा खतरा हो सकता है। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या पत्ता नहीं दिया ये? हाँ क्या तमाशा बना रखा है? हाँ क्या हो रहा है ये? रुक जाइए रुक जाइए, क्या चाहते हैं आप लोग? कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ ना, यही चाहते हैं ना आप लोग कि मैं ये मोहल्ला छोड़ के चली जाऊँ? ऐसी वक्त इस घर से चली जाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आप, हम सब जानते हैं आपको पूरी रात आपके पति ने घर से बाहर रखा था, इसमें आपकी क्या गलती थी बताइए? और आप मिसेस जोशी, आपकी बेटी तो अपने पति के अत्याचारों से तंग आकर घर वापस आ गई थी, या नहीं? अरे ये आपके क्या, हिंदुस्तान के हर घर में रोज होता है। हर 6 घंटे में एक औरत अपने पति के जुल्म का शिकार होती है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। हर 3 मिनट में एक औरत पर अत्याचार होता है, उसे जलाया जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे जान से मार दिया जाता है, और ये सब वो चुपचाप सहती है। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी या उसके परिवार वालों की समाज के सामने बदनामी ना हो। हर पल हर दिन वो मानसिक और शारीरिक यातनाओं से गुजरती है, पर उसके आंसू किसी का दिल नहीं पिघलाते। उसकी सिसकी अनसुनी रह जाती है और उसकी शिकायत नाजायज कहलाती। क्यों होता है ऐसा बताइए हमें, क्यों होता है ऐसा? इसलिए क्योंकि हमारा समाज अंधा हो गया है, बहरा हो गया है। आज 21वीं सदी में अगर एक औरत औरत का साथ नहीं देगी तो फिर हम मर्दों से हमदर्दी की क्या उम्मीद रखे? अब सब अपने दिल में झांक कर अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर एक औरत ने हिम्मत करके अत्याचार सहन करने से इनकार कर दिया तो उसने क्या गलत किया? सच कहते हैं, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। पहले तो वो सब कुछ चुपचाप सहती है और फिर कोई दूसरी आवाज उठा रही है तो उसकी भी आवाज अब दबाना चाहते हैं। अगर हम सब एक होकर आवाज उठाएंगे तो ये अत्याचार खत्म हो सकते हैं ये अत्याचार खत्म, पर उसके लिए हम सबको एक होना होगा। जल्दी चलो फटाफट। Hi, 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 hi
कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, पीछे चलो। ये सब गैर कानूनी है, सब गैर कानूनी है, परमिशन लेनी पड़ती है इसके लिए। पीछे करो सबको, चलो पीछे। इंस्पेक्टर मिश्रा, कितने रुपए मिले हैं आपको इस कानून को याद रखने के लिए? देखिए मैडम, जरूरत से ज्यादा जबान मत खोलिए, वरना बहुत महंगा पड़ेगा आपको। आप एक इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा रही हैं? अब आपको कानून याद आ गया? जब हमारे घर के बाहर इतना हल्ला मच रहा था, तब आपका कानून कहाँ था? सो रहा था। एक बात याद रखिए आप, अगर मीडिया को पता चल गया कि आपने एक औरत की FIR लिखाने से मना कर दिया है, तो आप इस वर्दी पहनने के लायक भी नहीं रहेंगे। सबूत कहाँ से लाएंगी मैडम? मैडम, पत्नियों का काम है घर पे बैठकर पतियों की सेवा करना, समझे? वकील साहब, सेवा करवा लेना अपनी, ठीक है? इंस्पेक्टर, इसका जवाब आपको जल्द मिलेगा। देखेंगे, चलो रे, हो गया सब, चलो। तत्र श्री विजयो भूतिहि ध्रुवामि तिर्मतिर्मम। सानिया का फोन था, वो कह रही है कि हमें एक NGO की मदद लेनी चाहिए। अस्तित्व नाम का कोई NGO है, वो अभी नंबर फॉरवर्ड कर रही है, तो फोन करके देखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो जी, नमस्ते, मैं करण प्रसाद बोल रहा हूँ, ये अस्तित्व का ही ऑफिस है ना? हमें वुमन राइट्स के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी, तो क्या हम अभी आके आपसे मिल सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। संस्कार का फोन आ रहा है। हेलो संस्कार। अबा, तुम ठीक हो ना? हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, और अब सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हा? और बाकी की बातें हम घर आके कर लेंगे, फिलहाल तो हम अस्तित्व नाम के NGO से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, बाय। NGO? अस्तित्व? अब NGO की मदद ले रही है, सिर्फ आज रात की बात है। अब आप कोर्ट नहीं पहुंचनी चाहिए, मैं खुद अब आपा नजर रख रहा हूँ। अब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए तुम्हें ये सब कर रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। जी मैं करण प्रसाद, मैंने आपको फोन किया था, वो हमारी दीदी के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। हम अपनी दीदी के लिए आपसे मदद मांगना चाहते हैं। किसी गैर मर्द से प्रेम संबंध है? हाँ,
इतना सब कुछ होने के बाद हमने चाहा कि हम पुलिस की मदद लें, पर यहाँ के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर मिश्रा FIR लिखने को तैयार ही नहीं थे। अब इसमें कोई नई बात नहीं है, हिंदुस्तान में 100 में से 80 पुलिस स्टेशन में यही होता है। हमारे देश में करप्शन की जड़ गहरी नहीं बल्कि आसमान की तरफ चढ़ रही है, क्या कर सकते हैं। और फिर अक्सर ऐसा भी होता है कि औरतें पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा लेती हैं और दूसरे दिन पति ने डराया धमकाया या फिर प्यार के 2 मीठे बोल बोल दिए कंप्लेन वापस ले लेती है। अब हमारी पुलिस भी इस बात से तंग आ गई है और इसीलिए ये कानून बना है कि एक बार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करा दी तो वापस नहीं ली जा सकती। मुझे इस बात पर भी शक है कि तेरी कोख में पल रहा बच्चा तेरा है भी या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि ये बच्चा है किसका। जरा आ भी निकाली ना मुंह से तो जिंदगी भर बोल नहीं पाओगी तुम, समझी। और एक और बात, इस घर के चारों ओर मैंने पेट्रोल छिड़क दिया है, एक माचिस की तीली और ये घर तुम सब की चिता बन जाएगा। और जानती हो दुनिया वाले क्या कहेंगे, यही के बदनामी के वजह से ठाकुर और उसके परिवार ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। मैं जानता हूं तुम अपने परिवार वालों को नहीं मरने दोगी, खुद से ज्यादा प्यार जो करती हो तुम उनसे। साइन कर, ये ले और साइन कर। साइन करो। घबराओ नहीं, वैसे भी अब तुम्हारे बाप के पास बचा क्या है जो उसकी जायदाद मैं अपने नाम कर लूं? इसमें बस यही लिखा है कि तुम अपने गुनाह कबूल कर रही हो और तुमने मेरे घर चोरी की और तुम्हारे किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध हैं। मैं कहता हूं साइन करो लता, साइन कर, साइन द पेपर। मैंने कहा साइन कर, लता साइन करो। कैसे मन छोटा ना करे करण, हमारे पास समय ही कितना बचा है। हमने दीदी को भरोसा दिलाया था हम उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे, लेकिन अब तक हमें सच को सच साबित करने के सबूत भी नहीं मिले। कितनी कोशिश की हमने पर ना ही उस FIR की कॉपी मिल पाई और ना ही उस फोटोग्राफर से फोटोज की कॉपी मिल पाई जिसने दीदी की शादी की एल्बम बनाई थी। हमें तो लगता है सबको खरीद लिया है उस समरजीत ने। आभा, आभा निर्मला जी ने कहा था कि इस केस में हमारी काफी मदद हो सकती है अगर हम लता दीदी की वो रिपोर्ट्स ले आए उस हॉस्पिटल से जहां उन्हें एडमिट किया गया था, याद है समरजीत से चोट खाने के बाद। करण, आपको क्या लगता है समरजीत ने हॉस्पिटल के लोगों को रिश्वत नहीं खिलाई होगी? हो सकता है, लेकिन कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। मैं देख कर आता हूं। क्या इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक इंसान भी नहीं जो सच का साथ दे सके, हमारी दीदी की मदद कर सके? हाँ, हम जानते हैं कौन हमारी मदद कर सकता है।
जी काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ये लो बेटा, ये रहे बहू की शादी के फोटो के नेगेटिव, देख लो अच्छे से। काका, आप नहीं जानते आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तो खुद माफी मांगनी चाहिए आप सब लोगों से। कितनी बार देखा है समरजीत बाबू को बहू पे हाथ उठाते हुए, उन पे जुल्म करते हुए, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, और आज भी जो ये हिम्मत समेट पाया हूँ ये आप ही की वजह से। आपको कोई जरूरत हो, कोई काम हो, मैं हमेशा हमेशा आपके साथ, हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद काका। जीती रहो, खुश रहो बिटिया।
अरे क्या पागल हो गई है ये? सबूत आभा, सबूत सबूत मेरे हवाले। नहीं देंगे हम, नहीं देंगे, जाने दो हमें। मुझे बचा लो लता, प्लीज मुझे बचा लो। कोई नहीं बचाने वाला तुझे। आप सब लोग मुझे अकेले क्यों मार रहे हो? बस बस बस, आप लोग जाइए। मेरे साथ जो लोग मिले हुए हैं उन्हें आप क्यों नहीं कुछ कहते? जीत, कौन है जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है? कौन है बताओ हमें, कौन है जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है? अभिजीत बता दो वरना। संजीत, हमें बता दो कौन मिला है तुम्हारे साथ? समरजीत, यही मौका है तुम्हें पश्चाताप करने का। बताओ कौन मिला है तुम्हारे साथ? हटिए आप लोग, हटिए, ये पुलिस का नाम है। हटिए आप लोग, हमें बता रहे हैं। रहो उसको, रहो, हटिए आप, पीछे हटिए आप, पीछे हटिए आप।
पीछे पुलिस तहकीकात करेगी, पुलिस करेगी तहकीकात। चलो रुको यहाँ। सन, क्या समरजीत संस्कार का नाम लेने वाला था? मगर संस्कार कैसे कर सकता है ऐसा काम? और वो क्यों साथ देगा समरजीत का? या फिर संस्कार सच में समरजीत के साथ मिला हुआ है? ये कैसे दुविधा में डाल दिया हमें? पापा तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम्हें तो चोट लगी, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। चलो अरे मैं ना अभी देर तुम्हारे हाथ पे बांध देता हूँ उसे। नहीं, संस्कार समरजीत के साथ मिला हुआ नहीं हो सकता। वो ऐसे गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। हम बेवजह शक कर रहे हैं उस पर। थैंक यू। कोर्ट के लिए देर हो रही है। क्या सचमुच संस्कार समरजीत से मिला हुआ है? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।